नमस्कार, मैं राजन राय अमर उजाला से। आप देख रहे हैं कि मैं डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र के बांसी के पास में हूं और ये प्राइमरी मॉडल स्कूल का बूथ है जहां दोनों तरफ दोपहर के 12 बजने वाले हैं और लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। यहां 786 वोट है और 350 वोट पड़ गए हैं, यानी कि 50% लोगों ने मतदान कर दिया है। मतदान को लेके इस बूथ पे ज़्यादा जागरूकता दिखी है। हम आइए बात करते हैं, कुछ मतदाता यहाँ पे खड़े हैं, इनसे जानते हैं चुनाव का मिजाज, सियासी मिजाज क्या कहते हैं ये इन्हीं की जुबानी। कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, जिस तरह से मतदान होना चाहिए। भारत की जनता ज़्यादा ज़्यादा जो है हमारे यहाँ का बूथ पे ज़्यादा ज़्यादा लोग सहयोग ले रहे हैं और ज़्यादा ज़्यादा वोट दे रहे हैं। पोलिंग बहुत अच्छी हो रही है हमारे यहाँ। अब तो आज मतदान का दिन है, मतदान का दिन है, लगभग सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं। लड़ाई कहाँ दिख रहे हैं आप? लड़ाई कहीं नहीं है, लड़ाई एक तरफ ईमानदारी की है, एक तरफ बेईमानों की है। लड़ाई एक तरफ देश के हित में है, एक तरफ देश के विपक्ष में है। लड़ाई एक तरफ हमारी जनता जो विकास के तरफ है, एक तरफ लूट के तरफ है। आप किस गाँव के रहने वाले हैं? हम आपके सुपा राजा गाँव के यहीं बगल में रहते हैं। वोट पड़ गया? क्या लग रहा है यहाँ पे इस संसदीय क्षेत्र में इस बार किस तरह की लड़ाई चल रही है? लड़ाई तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ मान के चलिए हमारे यहाँ 80% वोट भाजपा परिवार को ही जाएगा। जी। आपका क्या नाम है? प्रेम कुमार यादव जी। आप बताइए कि चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं? राम जन्मभूमि, राम मंदिर, सबसे ज्यादा इनका देख रेख है, सबसे ज़्यादा अनुदान भी किए हैं, इस चीज़ को देखते हुए हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। कुछ पुराने लोग भी हमारे पास मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप चचा कहाँ के रहने वाले हैं? छेरी है, सुपर में है, सुपर टोला है। वोट पड़ गया? क्या मुद्दों को लेकर वोट दिया आपने इस बार? दिया तो कुछ तो सोचा होगा कि किसको वोट देना है, किस तरह के सोच वाले को देना है। किस तरह के देने वाला? देखिए, मतदाता भी बहुत खामोश हैं और अपनी जुबान पे वो नाम नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन संकेतों में बहुत कुछ इशारा करते हैं। आइए, एक बुजुर्ग हमारे बीच बैठे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। चाचा, क्या नाम है आपका? घिसियावन। किस गाँव के रहने वाले हैं? वोट पड़ गया? वोट पड़ गया। इस बार का चुनाव कैसा देख रहे हैं यहाँ? ऐसा लड़ाई, बहुत कांटे की लड़ाई चल रहा है। किसके किसके बीच? एक साइकिल वाले के बीच, एक फूल के बीच में लड़ाई कांटे की है। आप लोगों ने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? भाई, जो समाज के काम किया है उसके लिए वोट किया है। धन्यवाद, मैं फिर आगे किसी और बूथ पे मिलते हैं आपसे। एग्जिट पोल 2024, 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।